बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज कभी टेलीवर्ल्ड के पावर कपल की लिस्ट में शुमार थे, लेकिन पिछले साल दिसंबर में एक्ट्रेस ने अचानक ब्रेकअप की खबर देकर फैंस को चौंका दिया था। पोस्ट में हिमांशी ने ब्रेकअप का कारण दोनों के अलग अलग धर्म को बताया था। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के प्यार की शुरुआत बिग बॉस में हुई थी। को कंटेस्टेंट से लव बर्ड्स बने हिमांशी और आसिम ने एक दूसरे को 3 साल तक डेट किया, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं। कुछ समय पहले आसिम के पोस्ट से माना जा रहा था कि उनकी जिंदगी में किसी और की एंट्री हो गई है। अब हिमांशी दुल्हन के लिबास में नजर आई हैं। आसिम रियाज से अलग होने के बाद से ही हिमांशी खुराना चर्चा में बनी हुई हैं। वो सोशल मीडिया पर अक्सर क्रिप्टिक पोस्ट करती रहती हैं, जिसे लोग आसिम से जोड़ रहे हैं। अब हिमांशी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। क्लिप में हिमांशी ट्रेडिशनल पंजाबी ब्राइडल लुक में दिख रही हैं। लाल रंग का सलवार सूट, दुपट्टा, मांग टीका, नथ, चोकर, हार, लाल चूड़ा और कलीरों में नजर आ रही हैं। वीडियो में हिमांशी खुराना दुल्हन के लिबास में मुस्कुराती हुई पोज दे रही हैं। बैकग्राउंड में जय सिंह की शायरी, वो जहर देता तो पूरी दुनिया की निगाह में आ जाता, तो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाई नहीं दी, लगाई है। इस वीडियो और शायरी को देख फैंस कह रहे हैं कि वो यह आसिम रियाज को लेकर कह रही हैं। एक यूजर ने लिखा, ये लाइन आसिम रियाज के लिए है। दूसरे ने लिखा, उसने समय पर दवाई भले ही न दी हो, पर हम दुआएं देना नहीं भूले। एक और ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है,